रोज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्र से कटिहार में बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है। कटिहार सदर अस्पताल परिसर में BMICL द्वारा 100 बेड के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिल्डिंग बनकर तैयार है, जबकि सदर अस्पताल परिसर में ही केंद्र सरकार के सहयोग से 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल भी बनकर लगभग पूरा हो चुका है। पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने यहां दोनों बिल्डिंग के निरीक्षण के बाद संतुष्टि जताते हुए कहा कि कटिहार में लोगों को अब और बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। बरसों से यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब धरातल पर उतर चुका है। जल्द ही कटिहार के लोगों को इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। बनकर लगभग तैयार है, निरीक्षण के लिए आए, क्या अभी देखे कितना? देखिए, जब NDA की हमारी सरकार थी और 2009 में सदर अस्पताल कटिहार को 300 बेड में अपग्रेड उस समय किया गया था और एक बड़ा हेल्थ रोड मैप बना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम सब बिहार में बेहतर करेंगे। और फिर जब हमारी सरकार गत जो 20 महीने चली उसमें हम सबों ने 100 बेड अपग्रेडेशन की स्वीकृति दी और 22,67,00,000 की लागत से इसका निर्माण हुआ है और इसमें 4 OT हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं मरीजों को दी जाएगी। जो अद्यतन जो सिस्टम है या जो अपडेट्स जो इंस्ट्रूमेंट है और जो ट्रीटमेंट का जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और यह कटिहार के विकास की एक लंबी छलांग है या उड़ान है। और इसका इस भवन के निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के साथ हमने किया था और सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। और उसी प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से मातृ शिशु अस्पताल या मातृ शिशु हॉस्पिटल का भी निर्माण 20 करोड़ की लागत से हुआ है, उसमें भी 100 बेड हैं जहां गर्भवती हमारी माताएं हैं, जच्चा बच्चा और फिर सभी प्रकार की सुविधाएं उसमें दी गई है जिसका निरीक्षण हम सब अभी करने वाले हैं। उसमें भी 5 OT है और सभी प्रकार की सुविधाएं भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उसमें उपलब्ध कराई है। यह कटिहार के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़ा टर्निंग है। हम सबों का प्रयास है कि कटिहार जिला के जो अपने हमारे नागरिक हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मिले। ये NDA की सरकार में हम सबों का आम लोगों के प्रति जो हमारा कमिटमेंट था आज वो पूरा हो गया है और शीघ्र ही विधिवत आंशिक प्रारंभ हुआ है लेकिन और बेहतर ढंग से प्रारंभ होगा। हमारे सामान्य सिविल सर्जन, हमारे जो DS हैं और सब जितने भी हमारे चिकित्सक और गैर चिकित्सा कर्मी हैं सभी लगे हुए हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।